ये प्रधानमंत्री जन औषधि योजना काफ़ी दिन से ये चल रहा था, लेकिन अब जाके देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं मेडिकल स्टोर इसके खुल रहे हैं। इससे इसके क्या फ़ायदे हैं और इससे आम जनता को क्या लाभ मिलेगा? मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री की तरफ से आज ये जो जन औषधि योजना, मतलब जेनरिक मेडिसिन जिसे कहते हम, उसका और एक दुकान का उद्घाटन हुआ। इसका अवेयरनेस कम था, मोदी जी ने इस बात को समझा के बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां अपने ब्रांड के कारण 2 रुपये की दवाई जो है 10 रुपये में 50 रुपये में बेचते हैं और इस जेनरिक के माध्यम से उन्हें सस्ते में दवाई मिल सके। लेकिन इसके बारे में अवेयरनेस जो है धीरे धीरे, क्योंकि अधिकतर हमें आदत पड़ गई है उस तरह के माहौल में जीने की, उस तरह के लोगों को लगता है कि अगर ब्रांड है तो ही दवाई अच्छी होगी, एक हमारी मानसिक रूप बनी हुई है। अब धीरे धीरे इसको लोगों को समझ में आ रहा है कि जेनरिक मेडिसिन भी उतना ही फ़ायदा करती है जितना बाकी नामचीन मेडिसिन करती है, और इसलिए अब जगह जगह पे इसकी ज़रूरत भी बढ़ी है, दुकानें बढ़ती जा रही है। और मोदी जी का सपना है कि आम आदमी को ज़बरदस्ती का दवाइयों के अंदर कोई फटका ना पड़े और सस्ते में दवाई मिले और लोगों का जो है ज़रूरतमंद लोगों को दवाइयाँ भी समय पर मिले। मीरा भाईंदर के लोगों को जेनरिक मेडिसिन के बारे में क्या एक अवेयरनेस नॉलेज देना चाहेंगे, क्या बताना चाहेंगे? मैं कहूँगा कि जेनरिक में सभी तो नहीं, लेकिन मेजोरिटी अब धीरे धीरे उसके अंदर सभी प्रकार के दवाइयाँ मिलना शुरू होगी, तो मैं लोगों से यही कहूँगा जेनरिक मेडिसिन भी वही काम करती है जो बाकी ब्रांड वाली मेडिसिन करती है। आपके डॉक्टर से आप पूछिएगा, अगर वही आपके स्पेसिफिकेशन की दवाइयाँ हैं तो जेनरिक का यूज़ करें, आपके पैसे की बचत होगी। इन दवाई और उन दवाई में बहुत बड़े पैसे के अंदर फ़र्क है। थैंक यू सो मच मैम, एज ए महापौर, आप मीरा भाईंदर की महापौर हैं, आप क्या बोलना चाहेंगी इस जेनरिक मेडिसिन के बारे में? मैं सर्वप्रथम आज यहाँ पे जो जेनरिक मेडिसिन का उद्घाटन हुआ है, तो सर्वप्रथम मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि ऐसे जेनरिक मेडिकल हमारे शहर में और होने चाहिए ताकि हमारे शहर को लाभ हो। और जो प्रधानमंत्री योजनाएं हैं उनके तहत ये भी योजना में आता है, तो मैं चाहूँगी कि इसका सबसे ज़्यादा लाभ हमारे शहर के रहवासियों को हो। और मैं इस योजना के तहत मैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। थैंक यू सो मच मैम।